डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम जैनुलब्दीन था, एक गरीब नाविक थे। माँ अशियम्मा एक गृहिणी थी। बहुत ही साधारण परिस्थितियों में पले बढ़े कलाम ने हमेशा शिक्षा के प्रति गहरी रुचि दिखाई। विद्यालय में अच्छे अंकों के बावजूद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके धैर्य और कड़ी मेहनत ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ISRO के नाम से जानते हैं, में काम किया और भारत के पहले उपग्रह अरुणिमा को सफलतापूर्वक प्रक्षिप्त किया। डॉ कलाम का सपना था कि भारत तकनीकी रूप से सशक्त हो, और उन्होंने इसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया। वे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख थे और अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के सफल परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए। उनकी सरलता, विनम्रता और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें सभी वर्गों में प्रिय बना दिया। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने छात्रों को प्रेरित करने के लिए कई किताबें लिखीं और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 27 जुलाई 2015 को एक शिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी शिक्षा, प्रेरणा और योगदान हमेशा याद रहेगा। डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्ची लगन और समर्पण से असंभव को संभव बनाया जा सकता है।